हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का गौरव झा फिटनेस में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमारे बाइसेप्स के ऊपर भाई, कि बाइसेप्स तगड़ा करना है भाई, कम टाइम के अंदर तगड़ा करना है, कुछ एक्सरसाइज बताओ। तो आज मैं एक्सरसाइज आपको जो बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, बस कॉपी पेस्ट मारो, सेम एक्सरसाइज सेम तरीके से फॉलो करो। 3-4 सेट करोगे, आधे घंटे का वर्कआउट होगा, प्रॉपर आपका बाइसेप्स भाई तगड़ा होके आएगा। इस सारा एक्सरसाइज देख के, फॉर्म देख के, अच्छा डाइट देख के अपने बाइसेप्स को आप ग्रो कर सकते हो आसान तरीके से भाई, ठीक है। देखो फॉलो करो, बाकी कुछ पूछना हो बात करना हो तो भाई को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, गौरव झा फिटनेस इंस्टाग्राम है। अभी देखो बाइसेप्स के लिए पूरा परफेक्ट वीडियो लाया हूँ, 6 से 7 मिनट के अंदर में सारा का सारा क्लियर कर दूंगा आप लोग का कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से बाइसेप्स को ट्रेन करना है। मैं खुद करूंगा, दिखाऊंगा, साथ में देखो और फॉलो करो भाई, ठीक है भाई। तो भाई बाइसेप्स के लिए जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ आप लोग बस फॉलो करते जाओ, देखो रिजल्ट कितना बेहतरीन मिलने वाला है आप लोगों को। तो सबसे पहले आपके पास अगर डंबल है तो डंबल से प्रेफर करोगे, मैं पहले बोल रहा हूँ। अगर डंबल है तब आपको ईंट का कोई नीड नहीं है, अगर कोई कुछ भी चीज आपके पास नहीं है तब आप ईंट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो साथ साथ मेरे फॉलो करते रहो, स्टार्टिंग से एंड तक खुद करके दिखा रहा हूं मैं। पहले यहाँ पे रखना है और यहाँ पे हाथ को रखना है 90 डिग्री पे, शोल्डर रिलैक्स और 20 बार इसको इस तरीके से बस रोटेट करो आप लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसमें आपको रिजल्ट दिखाने वाला हूं मैं, तो जिस तरीके से मैं बोलता जा रहा हूँ उस तरीके से फॉलो करते जाओ। वापस से 10 रिपीटेशन इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 2 सेट 3 सेट करके आप इस तरीके से अपने आर्म्स को पूरा पूरा आपका आर्म्स इसमें इंगेज होकर आएगा और फोर आर्म्स बाइसेप्स थोड़ा बहुत सारा का सारा इंगेज हो जाएगा आपका। और आप अगर बाइसेप्स पे बाइसेप्स का वर्कआउट करने वाले हो तो इस एक्सरसाइज को सबसे पहले रखना है आपको। दूसरा नंबर एक्सरसाइज क्या होगा हमारा, दूसरा नंबर होगा सिंपल, पूरा रिलैक्स छोड़ना है और दोनों हिट को अप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सिंपल हमारा हो जाएगा बाइसेप कर्ल। 13 जैसा मैं बताता हूँ बस फॉलो करते जाओ, रिजल्ट आपको उसी हिसाब से मिलेगा। रिजल्ट आपको मिलने वाला है प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा कब, जब आप साथ साथ मेरे फॉलो करोगे। तो पहला ये सिंपल एक्सरसाइज हो गया, सिंपल ट्विस्ट, और दूसरा हमारा हो जाएगा सिंपल पूरा हाथ छोड़ के बाइसेप कर्ल 10 रिपीटेशन 15 रिपीटेशन। तीसरा एक्सरसाइज जो हमारा परफॉर्म करना है भाई, तीसरा एक्सरसाइज परफॉर्म करना है, दोनों हिट को इस तरीके से सामने सटाओगे, इस तरीके से कंबाइन करोगे, ठीक है। फिर पूरा का पूरा अप, 1, 15 बार लगाएंगे भाई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, साथ में फॉलो करते रहो भाई, 12, 13, 14, 15, रिलैक्स। तो तीसरा पहला हमारा था सिंपल, सिंपल क्या ट्विस्ट, दूसरा हमारा हो गया पूरा रिलैक्स करके अपर अंदर वाले बाइसेप्स के लिए बाइसेप कर्ल, तीसरा हमारा हो जाएगा क्या दोनों हिट को कंबाइन करके इस तरीके से, इसमें भी आपका अंदर वाला बाइसेप्स मसल ही ट्रेन होगा। बाइसेप्स बाइसेप्स आप बोलते हो कि बाइसेप्स भाई फूल के नहीं आता है, अंडा बन के नहीं आता है, तो प्रॉपर एक्सरसाइज अगर करोगे आप तभी आपका, आप नहीं चाहते हो कि आपका भाई हाथ मोटा हो गया, आप चाहते हो कि आपका बाइसेप का साइज बढ़ गया है, तो आपको उस तरीके से काम करना पड़ेगा कि बाइसेप्स पे काम कर रहे हैं भाई, तुम्हारा बाइसेप्स ही दिखना चाहिए, अलग होकर दिखना चाहिए, पूरा पूरा बाजू नहीं मोटा होना चाहिए, बाइसेप्स बाइसेप्स पे काम करो तो बाइसेप पे फर्क पड़ना चाहिए। तीन एक्सरसाइज हो गया, चौथा नंबर एक्सरसाइज हमारा होने वाला है भाई हैमर कर्ल बाइसेप्स के चौड़ाई के लिए, 1, 2, 15 बार लगाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये हमारा हो जाएगा भाई चौथा नंबर एक्सरसाइज बाइसेप हैमर कर्ल, ठीक है। अभी हमारा पांचवा नंबर एक्सरसाइज होगा क्या, ये हमारा हाथ यहाँ पे रहता है, कोई ट्विस्ट करते हैं आपको एक्सरसाइज करते हैं तो अभी हाथ को थोड़ा बाहर कर लेंगे, बाहर कर लेंगे तो आपका ये वाला कट जो दिखते हो इस पर आपका काम हो क्या आएगा, लगाते हैं भाई 15 रिपीटेशन। बाइसेप्स आपका चाहते हो कि बाइसेप्स का शेप दिखे भाई, बाइसेप्स का कट्स दिखे, बाइसेप्स बड़ा हो गया, सारा एक्सरसाइज आपको हेल्प करने वाला है, एक्सरसाइज फॉलो करते रहो। लगाते हैं 15 रिपीटेशन, थोड़ा सा ईंट बाहर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 रिलैक्स, ये हमारा हो जाएगा। जब बाहर करके करेंगे तो आपका अंदर वाला पार्ट इंगेज होगा, जितना अंदर आता है। देखो ये चीज आप ध्यान रखो कि बाइसेप्स का एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो, बाइसेप्स का हर एक एक्सरसाइज जितना बाहर निकालते जाओगे उतना अंदर वाला पार्ट में काम होगा, जितना क्लोज 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 आते जाओगे उतना इस तरीके से आपका मसल मैन कनेक्शन शिफ्ट होता रहेगा। तो आप लोग साथ में देखना है, साथ में फॉलो करना है। 15 रिपीटेशन कर रहा हूं तो आप 20-25 कर सकते हो। मैं बस रिपीटेशन कम रख रहा हूं इसलिए कि कम टाइम के अंदर में आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। तो हमारे चलते हैं भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा होने वाला है भाई, नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा हमारा भाई पुशअप्स। ठीक है, अभी पुशअप्स किस तरीके का पुशअप्स, तो ईंट को रखना है यहाँ पे, ठीक है, और हाथ को पूरा पीछे की तरफ मोड़ लेना इस तरीके से, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ बाइसेप्स का ही काम होगा भाई। नीचे जाके अप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। तो आप हाथ अगर पूरा पीछे करके करोगे तो आपका बाइसेप्स का लंबा इस चीज पे काम होगा और आपका बाइसेप्स मसल और बेहतर तरीके से ग्रो हो के आएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा क्या होगा भाई, दोनों एल्बो को रखेंगे घुटना पे, ठीक है, फिर ऑल द वे अप 15 बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 रिलैक्स। इसके बाद अब कुछ नॉर्मल पुशअप्स कर लेते हैं भाई 15 से 20 रिपीटेशंस का, और फिर करेंगे वर्कआउट को खत्म। कितने मिनट का वीडियो बना, कितने मिनट का वर्कआउट हुआ, 5-6 मिनट का वर्कआउट हुआ, प्रॉपर करोगे 3-4 सेट तो आपका आधे घंटे के अंदर वर्कआउट सारा कंप्लीट हो जाएगा भाई। ठीक है, अभी लगाते हैं नॉर्मल पुशअप्स 10 रिपीटेशंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें आपका अपर बॉडी के साथ साथ आपका बाइसेप्स भी भाई इंगेज होके आएगा, बाइसेप्स भी आपका पंप होके। तो चाहिए आप लोगों को भी अच्छा बाइसेप्स, तो फॉलो करो सारा एक्सरसाइज 3-4 सेट करके, अच्छे फॉर्म के साथ एक्सरसाइज करोगे, अच्छा खाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। और सारा एक्सरसाइज के साथ साथ आपको ध्यान रखना है रिपीटेशंस का भी, 15 से कम हर एक भाई को जो परफॉर्म करने वाला है 15 से ज्यादा ही परफॉर्म करना है आप लोग को। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो, तो सेफ स्टे हेल्दी, ठीक है भाई।